डेली रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं और पद का नाम है काउंसलर। काउंसलर पद के लिए वैकेंसी जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में, जिसमें न्यूनतम किसी विषय या संकाय में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। इसके अलावा एमए मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, एमबीए उपाधि धारक तो ज्यादा वारिता दी जाएगी। इसके अलावा बिंदु एक या दो में उल्लेखित है योग्य होने पर प्रेरक, अगर जो प्रेरक है, रोजगार सहायक है, ग्राम सचिव है, वे ये योग्यता रखते हैं तो उन्हें भी काउंसलर के रूप में चयन किए जा सकते हैं। नीचे काउंसलर द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य के बारे में विवरण पूरा दिया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे तो यह वैकेंसी कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला मुंगेली में जारी किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना होगा। आप अगर इच्छुक है इसमें तो दिनांक 19/11/2020 को शाम 5 बजे तक आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में जिला कौशल विकास प्राधिकरण मुंगेली कक्ष क्रमांक 218 कलेक्ट्रेट मुंगेली में आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप आवेदन कर सकते हैं, अन्य माध्यम से आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। आपको केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करने होंगे। यहाँ देख सकते हैं काउंसलर को मानदेय का भुगतान कितना होगा वो यहाँ बताया गया है। इसमें आप पद की संख्या देखेंगे तो पद की संख्या यहाँ दिया हुआ है। इसके लिए 3 काउंसलर की आवश्यकता है। 3 पदों के लिए यह वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ देख काउंसलर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। इसके अलावा देख सकते हैं काउंसलर की कार्य अवधि पूरा दिया हुआ है। आवेदन के लिए दिशा निर्देश यहाँ जारी किया गया है पूरी तरह से। यहाँ देख सकते हैं ये समय समय पर अगर आप आवेदन करते हैं तो दिशा निर्देश जारी किया गया है। यहाँ देख सकते हैं ये है आवेदन पत्र का प्रारूप। आपको इसी आवेदन पत्र के प्रारूप को भर कर भेजना होगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जो योग्यता वाले व्यक्ति हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें।